क्या नाम है आपका? जी करण कुमार। करण कुमार, कहाँ से? इसको दीजिए। कहाँ से हैं? बिहार से, सिवान जिला। बिहार से, सिवान जिला। तो यहाँ पे आपने जो है कि आपका ये इंटरव्यू है एसी टेक्नीशियन का ना, जी तो एसी मैकेनिक आप हैं? ऐसे टेक्नीशियन। हाँ एसी टेक्नीशियन हैं। तो एसी टेक्नीशियन में आप क्या क्या बनाते हैं एसी में? मैकेनिकल और इंस्टॉलेशन मतलब दोनों। कि मेंटेनेंस भी करते हैं और इंस्टॉलेशन भी करते हैं, स्प्लिट एसी विंडो एसी की। अच्छा, हाँ स्प्लिट एसी विंडो एसी की। स्प्लिट एसी और विंडो एसी में क्या अंतर है? इस विंडो एसी जो हमारी है वो एक बॉक्स की आकार की होती है, जिसे कमरे के अपनी खिड़कियों पर लगाते हैं। उसका कूलिंग वाला हिस्सा कमरे के अंदर और हीटिंग वाला हिस्सा कमरे के बाहर होता है। और स्प्लिट एसी जो हमारी होती है वो दो टुकड़ों में बटी होती है, अच्छा, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर जो होती है वो हमारे कमरे के अंदर होती है, आउटडोर जो हमारी कमरे के बाहर होती है। कमरे के बाहर होता है। बहुत अच्छा। स्प्लिट एसी के इंडोर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कुछ बताएंगे आप? जी इंडोर में कौन कौन से पार्ट होते स्प्लिट हैं? एसी के इंडोर में हमारे वायर जंक्शन, ब्लोअर फैन मोटर, ब्लोअर फैन, एवपरेटर, आउटर, ग्रिल, रूम टेम्परेचर सेंसर, क्वाइल टेम्परेचर सेंसर, ड्रेन पैन, ड्रेन पाइप, पीसीबी। काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं क्या आप? नहीं काम काफी कहीं नहीं अच्छा, किया मतलब सर, बता रहे हैं इंस्टीट्यूट से कहाँ? किया है सर, इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। से? अभी मतलब इंस्टीट्यूट से सीख के डायरेक्ट ले जा रहे हाँ हैं। अभी इंस्टीट्यूट से सीख के डायरेक्ट यहाँ इंटरव्यू देने के लिए बहुत आए। अच्छा है। अब ये बताइए कि जो आपका आउटडोर में कंडेंसर फैन मोटर लगा हुआ है, वो कंडेंसर फैन मोटर अगर ना चले तो क्या दिक्कत आएगी? और हमारी कंडेंसर फैन मोटर नहीं चलेगी तो हमारा कंडेंसर फैन भी नहीं चलेगा। अगर कंडेंसर फैन हमारा नहीं चलेगा तो जो हमारी टेम्परेचर को खींच कर बाहर फेंकता है उसे वो नहीं फेंकेगा, जिससे हमको कूलिंग जो इंडोर हमारी कमरे के अंदर लगी है उसे कूलिंग प्राप्त नहीं होगा, जब वो हीटिंग को बाहर नहीं फेंकेगा तो। कूलिंग प्राप्त नहीं होगा। कमरे में कम कूलिंग होने का रीजन बताइए। कूलिंग कमरे में कम हो रही है, गैस भी कूलिंग ज्यादा है। गैस मतलब फुल है और कमरे में कूलिंग कम हो रही है। गैस वगैरह सब सही सर्विस भी करा दी गई है, कूलिंग कम क्यों हो रही है? ब्लोअर फैन की स्पीड कम होगी या हाँ जो हमारी कमरे की खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो खुले होंगे। हाँ अच्छा, अब बताइए कि वो पानी जो है ना इंडोर का, वो इस पे अंदर ही गिर रहा है पानी, इस पे जिससे इंडोर का पानी बाहर कमरे नहीं के आ अंदर सकता। गिर रहा है तो हमारी जो सर्विस नहीं की गई होगी, ऐसी ऐसी हमारी सर्विस नहीं की होगी, हमारे एवपरेटर जाम होगा और हमारे जो सक्शन लाइन की जो पाइपें हैं उसको सही से इंसुलेशन नहीं किया गया होगा, अच्छा, जिससे नमी को खींचकर बाहर हमारी पानी टपक रही है। पानी टपक रहा है। ड्रेन पैन क्या होता है? ड्रेन पैन जो हमारी एसी की पानी पानी की बूंदे बनती है वो ड्रेन पैन में ही हमारा इकट्ठा होता है, अच्छा, और वो बाहर किसके जरिए जाता है? ड्रेन पाइप के जरिए बाहर ड्रेन जाता पाइप है। के जरिए से पानी चला बाहर जाता है। अच्छा, अब बताइए कि इसके जो है हमारा एवोपटर जो इंडोर में है उस पे आइस आ रही है, बर्फ आ जा रही है, कूलिंग रुक जा रही है, तो फिर कैसे खत्म होगा? क्या फॉल्ट उसके है? सर्विसिंग नहीं की गई होगी या जो हमारा ऑपरेटर वो जाम होगा, उसकी फिंस मुड़ी होगी, यही सब दिक्कत यही है। सब हो सकता है। हाँ अच्छा, अगर आपको गेज ना दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इस एसी में पूरी तरीके से गैस है, मतलब स्प्लिट एसी है, पूरी तरीके से गैस है या गैस कम है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे बिना गेज लिए? बिना गेज लिए हम अपने सिस्टम को चालू कर लेंगे, हमारे आउटडोर इंडोर दोनों जब चल जाएगी 5-10 मिनट, उसके बाद से हम उसको सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन को टच करेंगे। सक्शन लाइन पूरी ठंडी है और डिस्चार्ज लाइन उससे थोड़ी कम ठंडी है, इसका मतलब हमारी गैस सही है। और अगर सत्तर कम है, डिस्चार्ज ज़्यादा ठंडी है तो इसमें हमारी गैस की कमी है। कैसी कमी है? ओके, अच्छा, एसी में गैस खत्म हो जाती है, कम हो जाती है या लीकेज की वजह से प्रॉब्लम आती है, ये बताइए। नहीं एसी में हमारी गैस खत्म ही नहीं होगी, कितना ही साल चला लीजिए, हाँ हमारी हाँ लीकेज की प्रॉब्लम से गैस कमी होती है। अच्छा, लीकेज जब होता है तो प्रॉब्लम हाँ होती है या चोक हो जाए, हाँ जो मतलब गैस खत्म नहीं होती नहीं है? गैस कभी खत्म होती ही नहीं है। होती ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। और आप ये बताइए कि जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन पे आइस आ रही है, डिस्चार्ज पे तो नहीं आ रही लेकिन सक्शन लाइन पे आइस आ रही है, क्या फॉल्ट सक्शन है? लाइन पर आइस आने का कारण है कि हमारी सक्शन लाइन की कहीं पिंच हुई पड़ी होगी या उस पर इंसुलेशन सही से नहीं किया गया होगा। अच्छा, अगर
एसी में गैस ज़्यादा डाल दी जाए तो क्या दिक्कत होगी? उससे दिक्कत होगी, हमारी आइस आएगी सिस्टम पर और कूलिंग तो जो हमारी कंप्रेसर उसे बार बार ट्रिप करेगा, लोड पड़ जाएगा उसमें। हाँ, लोड पड़ेगा उसे, कंप्रेसर ट्रिप करेगा। हमें कितना ग्राम गैस डालना चाहिए एसी में? हमारे एसी में 600 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक गैस पड़ती है। तो कितना किससे पता चलेगा कि मतलब किसमें पड़ेगा कितना गैस? जो जो जिसमें होगा उसके सिस्टम पर लिखा होगा कि इतना ग्राम गैस डालना है, तो सिस्टम पे देख कर हम उससे अपना गैस डाल देंगे। अच्छा, आप बताइए कि 410 गैस का रनिंग और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है? 410 का रनिंग प्रेशर हमारी 120 से 150 और स्टैंडिंग होती है 260 से 270। और ये इसमें 32 का कितना होगा? R32 का हमारी होती है 120 से 135 और स्टैंडिंग होती है 250 से 260। 260। R410 गैस चार्ज करने की कुछ सावधानियां बता दीजिए। जी, सावधानियां R410 की गैस को कभी भी जब हम डालेंगे तो उसे उल्टा करके डालेंगे, क्योंकि वो दो गैसों के मिश्रण से बना होता है। अगर सीधा करके डालेंगे तो बराबर प्रेशर नहीं जाएगा दोनों में किसी का। अच्छा। और उल्टा करके जाएंगे तो हमारी जो दोनों गैस की मिश्रण है वो हमारी सिस्टम में बराबर जाएगी। हाँ। और कोई सावधानी? एक तो ये होगी उल्टा करके डालना है, दूसरा वहाँ पर कोई भी ज्वलनशील चीज़ें नहीं होनी चाहिए आग जैसे। कितना अच्छा, कितना प्रेशर में डालेंगे? 410 से तो 120 से 150 के बीच में कहाँ तक छोड़ेंगे उसको? 120 25 30 डाल के छोड़ सकेंगे। उससे ऊपर ना डालेंगे ना? उससे ऊपर कर देता हूँ तो जब टेम्परेचर हमारी बदलेगी तो उससे हमारी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी गैस डाली जा रही है इसमें एसी में? एसी में R410 ए, R32, R22, R290। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि किस सिस्टम में कौन सी गैस पड़ेगी? उसके सिस्टम पर लिखा हुआ है कि हाँ इसमें R22 पड़ेगी, इसमें R410 पड़ेगा, इसमें R290 पड़ेगा, लिखा रहेगा। हाँ, सिस्टम पर लिखा रहेगा। ज़्यादातर कितने नंबर की पाइपों का प्रयोग करते हैं इस फिल्टर से के इनडोर और आउटडोर को जोड़ने के लिए? 1/2 और 1/4। 1/2। अच्छा, 1/2 1/4 को किसी और नाम से जानते हैं? जी, 1/2 को हाफ क्वार्टर और 1/4 को क्वार्टर के नाम से जानते हैं। मतलब हाफ और क्वार्टर, हाँ। ये दो हैं, तो हाफ किसको कहेंगे? 1/2 को। और क्वार्टर? 1/4 को। 1/4 को हाफ क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं ना? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। और आप ये बताइए कि जो विंडो एसी में फैन मोटर लगा होता है वो कितने फैन मोटर लगे होते हैं? एक लगा होता है फैन मोटर। उसमें कंडेंसर कौन ठंडा करेगा और इवेपोरेटर कौन करेगा? कंडेंसर को हमारी फैन कंडेंसर फैन करेगा और इवेपोरेटर को ब्लोअर फैन करेगा। ये दो फैन हो गए तो ये दोनों फैन के लिए अलग अलग मोटर भी चाहिए? नहीं, उसमें एक हमारी रॉड होती है। हाँ। जो दोनों को मिल करती है, एक साइड उसका ब्लोअर फैन लगा होता है, एक साइड वो कंडेंसर मोटर एक ही रहता है। रॉड लंबी सी लगी, लंबी सी रॉड लगी होती है दोनों तरफ। अच्छा, अगर एसी की सर्विस ना कराए तो क्या होगा? और एसी की सर्विस ना करता है मेरी कूलिंग नहीं करेगी हमारे, कोई अगर सर्विस ना कराए तो कूलिंग कम करेगी, हमारे वो कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा जिससे कंप्रेसर हमारी ट्रिप मार देगी। अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया है। सारे के सारे क्वेश्चन को आपने बता दिया है और आप ये बोल रहे हैं सिर्फ इंस्टीट्यूट से आकर के हम डायरेक्टली इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर, सिर्फ इंस्टीट्यूट से आकर। क्या कुछ एक्सपीरियंस भी है आपके पास? नहीं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट से भी है। इंस्टीट्यूट से जाने के बाद और आने के वहाँ से आकर के इंटरव्यू देना और इसको क्लियर भी कर लेना अच्छी तरीके से, काफ़ी मेहनत भी आपने करी होगी। जी, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली भी करा रहे थे, थ्योरी करा रहे थे? नहीं, प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों मिलती थी हमें। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मिलती थी क्योंकि हमें प्रैक्टिकली का कोई टेंशन ही नहीं था। बस दो घंटे करे, चार घंटे करे, मतलब इंस्टीट्यूट ये नहीं थे कि आप अपने बैच करके चले गए तो इससे कोई नहीं, आप बैच के आपका बैच खत्म होने के बाद भी आप प्रैक्टिकली कर सकते थे, कोई वहाँ रोक नहीं थी। मतलब सब मिला जुला के सीखना मकसद था लोगों का। हाँ। और आप वहाँ पे गए करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में? हाँ, करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे आपको पूरी तरीके सिखा दिया गया? जी, पूरी तरह सिखा, जो चीज सोच गए थे वो चीज कर दिया गया। हाँ, पूरी कर दिया गया। मतलब ऐसा डर रहते पहले कि मिले कि नहीं प्रैक्टिकली? हाँ। या वैसा वैसा, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमें थ्योरिकल और प्रैक्टिकल की कोई प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मिलती है, ये नहीं है कि रोके कि आप अपनी बैच के बैच में कर लिए उसके बाद से, ये नहीं है। बैच खत्म होने के बाद भी आप प्रैक्टिकल अपने से कर सकते हैं। मतलब कोई भी बंदा अगर जाना चाहता है
बाहर जाना चाहता है या काम को सीखना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट होगा ना वो इंस्टीट्यूट हमारे करंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट बेस्ट है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकली उससे बहुत ज़्यादा मिली है। वहाँ से करने के बाद आप वहाँ पर जो करेगा इंटरव्यू भी जो होगा अच्छे से निकाल कर अपनी बाहर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकता है, इंटरव्यू की भी तैयारी अच्छी से। अच्छा, वहाँ पे खाने वाने का व्यवस्था किसी, मान लीजिए लड़के दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए किसी क्या व्यवस्था होगी? सारा व्यवस्था है, हॉस्टल दिया जाएगा, हॉस्टल में हमारी गैस बर्तन बेड वगैरह सब मिलता है, सिर्फ ना खाना जो खाने वाला चीज़ है उसे खरीद कर अपना बना कर खाना होता है। अच्छा, जो लोग डर रहे हैं कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, उतनी दूर जाएंगे कैसे सीखेंगे क्या नहीं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, हम भी डर रहे थे आने से पहले, लेकिन आए तो हमको सब सही लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, आने में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने इंटरव्यू पास कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए, ऐसा लगता है कि आप एक्सपीरियंस भी आपके पास, ऐसा लगता है? नहीं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूट से ही की। हाँ, इंस्टीट्यूट से सीख के इतना काफी चीज, पहले कुछ जानते थे क्या इसी के बारे में? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते थे, कुछ ना जानकर। और कितने कितने टाइम सीखे आप ये बता दीजिए? ज्यादा नहीं, 15 से 16 दिन। 15-16 दिन जी, काफी तगड़ा एक्सपीरियंस आपके पास लग रहा है ऐसा कुछ कि 15 से 16 दिन कोई ये कह नहीं सकता है कि भाई 15 से 16 दिन में कोई एसी का मैकेनिक बन सकता है। बट यहाँ पे देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि सारे लोग अगर आप अपने गाँव में ये बोलेंगे ना कि 2 महीने कोर्स में आपको एसी फ्रिज वाशिंग मशीन गीजर और सारी सिखा दी जाएगी, ये तो गलत है, फ्राड हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लड़के जाते हैं यहाँ से उनको बताया भी जाता है ना जी, बताया जाता है। वो लड़के खुद ही बोलते हैं कि मतलब हाँ सर हमने सीख लिया है, आप कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो लोग भी डर, हाँ दूसरी चीज़, अगर 2 महीने में भी ना सीख पाए ना तो आपको 4 महीना 5 महीना भी सिखाया जाएगा उसी पैसे में जी, कोई दिक्कत तो है नहीं? दिक्कत नहीं, अगर कोई हो उसको कोई टेंशन वगैरह कोई हो तो काम को अगर सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कुछ परेशानियों से, तो 2 महीने की जगह 4 महीने भी कर सकता है, उसकी जो एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, सिर्फ अपना रहना खाना जो है। ये आपसे भी कहा गया था ना? हाँ, हमसे भी कहा गया था, मतलब आप 5 महीने तक पढ़िए, सिर्फ रूम का किराया देना पड़ेगा 2000 रुपये एक महीने, है ना, जो कि आपको गैस वगैरह सब दिया जाता है उसमें, बाकी ये फीस जो इंस्टीट्यूट का फीस है नहीं लगेगी एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा उसी में होगा। लेकिन सारे लड़के अच्छी तरीके से टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले कर लेते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उतना दिया जाता है चीज़ें बताई जाती है, उतनी चीज़ सिखाई जाती है, ताकि मतलब उन्हें कोई दिक्कत ना आए फील्ड में। तो ठीक है ओके, बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया, और आपने 16-17 दिन में काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी तरीके से अचीव कर चुके हैं, मतलब की चीज़ों को समझ चुके हैं, फील्ड में थोड़ा सा जाएंगे तो आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद सर।